ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्कर्ष एकेडमी के निदेशक एक्स सर्विसमैन नाइक सुविधा विनोद कुमार ने बताया कि इस एकेडमी में सेना भर्ती की ट्रेनिंग ले रहे 30 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इस मीट में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाएगी, जिसमें 16,000 मीटर दौड़ में लक्की ने पहला स्थान हासिल किया, दूसरे स्थान पर राहुल राव और तीसरे स्थान पर सुमित कुमार ने हासिल किया। दौड़ में पहले स्थान तथा ओवरऑल चैंपियन बने लक्की को एकेडमी की ओर से ट्रॉफी के साथ 5,000 नगद राशि प्रदान की गई। दूसरे व तीसरे स्थान रहने वाले को 500 रुपए नगद इनाम दिया गया। युवा पीढ़ी को सेना में अपनी सेवाएं देने की प्रेरणा के लिए उत्कर्ष आर्मी भर्ती सेंटर ने इंदिरा गांधी स्टेडियम बैजनाथ में एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त अध्यापक प्रीतम भारती ने शिरकत की। उत्कर्ष अकेडमी के निदेशक एक्स सर्विसमैन नाइक सूबेदार विनोद कुमार ने बताया कि इस अकेडमी में सेना भर्ती की ट्रेनिंग ले रहे 30 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इस मीट के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसमें 1600 मीटर दौड़ में लक्की ने पहला स्थान हासिल किया, दूसरे स्थान पर राहुल राव तथा तीसरा स्थान सुमित कुमार ने हासिल किया। दौड़ में पहले स्थान तथा ओवरऑल चैंपियन बने लक्की को अकेडमी की ओर से ट्रॉफी के साथ 5,000 रुपये नगद राशि प्रदान की गई। दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वाले को 500 रुपये नगद इनाम दिए गए। पहले 10 धावकों को मोमेंटो तथा अगले 20 धावकों को मुख्य अतिथि द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि प्लस टू पास करने के बाद गरीब युवाओं के लिए ये अकेडमी बेहतर प्रशिक्षण देकर उन्हें भारतीय सेना BSF ITBP CRPF आदि पैरामिलिट्री फोर्स के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आजकल के युवा नशा करके इधर उधर भटक रहे हैं तथा दूर जाकर इस तरह का प्रशिक्षण नहीं ले पाते हैं। उन्हें अपने क्षेत्र में ऐसा प्रशिक्षण देने की मुहिम से इस अकेडमी को चलाया जा रहा है, ताकि बच्चे देश की सेवा के लिए तैयार हो सके। विनोद कुमार, उत्कर्ष भर्ती कोचिंग सेंटर बैजनाथ में चलाने जा रहा हूं, जिससे कि सेना में जाने के लिए जवानों को प्रेरित किया जाएगा और जवानों को फिजिकल संबंधित और रिटर्न के संबंधित तैयार किया जाएगा। और बैजनाथ से जो बेरोजगार युवा हैं, जो बैजनाथ में ही शिक्षा हासिल करके सेना में जाने के लिए अपना रास्ता अपनाएंगे, जिसमें कि हम NDA के संबंधित, आर्मी के संबंधित, ITBP और BSF में जवान आराम से अपने बाधाओं को पूरा कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को मैं अपना जितने मेरे अंदर स्किल हैं, जो मोदी जी ने चलाई हैं स्किल डेवलपमेंट का तरीका, मैं यहाँ पर उसे अडेप्ट कर रहा हूँ और बैनार के जवानों को अपनी स्किल देने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ यहाँ पर